हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाने जा रहे हैं। जी हाँ, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो एक साइट या विजन का जो ऑर्गन है, फोटो रिसेप्टर है, जो लाइट रेज का इस्तेमाल करके सारे ऑब्जेक्ट्स को हमें दिखाता है। तो लाइट रेज गेट दो सिग्नल्स गेट कन्वर्टेड इन टू नर्व इम्पल्स, फाइनली रीच टू ब्रेन, और उसे पता चलता है कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है आई, ह्यूमन आई जो है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम दो चार भागों में बना देते हैं। फर्स्ट एक हमारा एक आज का लेक्चर जो है, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, छोटे छोटे इस आर जो आई के पार्ट्स हैं वो हम बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कसिंग द इंटरनल एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई। और जो तीसरा हमारा होगा दैट इज़ वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई का जो वो एक्शन करने का क्या मैकेनिज्म है। और फोर्थ जो फाइनल होगा इसका, दैट विल बी द डिफेक्ट्स इन आई, जो डिफेक्ट्स होते हैं आई में वो किस किस तरीके किस प्रकार के होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। जो आई है इसका बाहरी का जो हम देखते हैं कि आई लिड्स वगैरह कुछ ग्लैंड्स, इसके उन पे ये हमारा आज का लेक्चर आधारित रहेगा। एंड सेकेंड पार्ट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डीलिंग विद इंटरनल एनाटॉमी ऑफ आई, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज का हमारा आई का फर्स्ट सेक्शन, लेट्स टेक इट। सो इट इज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, ठीक है। ह्यूमन आई को हम साइट का रिसेप्टर होता है, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं, या विजन या फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स। फाइन। अब हमें देखना है कि आई जो है इसके पार्ट्स क्या होते हैं। जो ह्यूमन आई को हम पता है, हम बाहर से देखते हैं कि आईब्रोज, आई लैश, आई लीड्स होते हैं, और अंदर में एक आई जिसके में पार्ट शायद पता नहीं है, और कौन से ग्लैंड्स होते हैं तो वो हम इसमें देखेंगे। देखिए, जो ह्यूमन आई होता है, ये सबसे पहले मैं बता दूँ कहाँ पे इसका, अगर हम ह्यूमन का थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर बना देते हैं। सपोज दिस इज ह्यूमन सर्कल, जिसको हम देखते हैं फोरहेड वगैरह। यहाँ पे जो ये पार्ट है, दिस सेक्शन, दिस दिस पॉइंट, ये बोन में एक सॉकेट होता है। एक्चुअली विद इन बोन देर इज अ काइंड ऑफ सॉकेट इन साइड बोन, ये होता है, इनको हम आई सॉकेट्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड आई सॉकेट, ओके दीज, ठीक है। इनको हम ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, और ऑर्बिट, आई सॉकेट्स और ऑर्बिट। ये सर्कल के पार्ट, दिस इज होम सर्कल, दिस इज सर्कल। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड आई सॉकेट एंड ऑर्बिट ऑफ सर्कल। ये बेसिकली आई जो होता है, ये आई बाल जो है, इट लाइज विद इन अ फैट, फैट कवरिंग। सो दिस इज अ फैट कवरिंग, इसके अंदर में ये पूरा रहता है। इस फैट कवरिंग क्या करता है, मैं ये इसे क्या होता है, सो बिकॉज ऑफ फैट देर आर टू फंक्शंस, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो जाता है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, दिस इज वन। एंड सेकेंड इज इट इज इट प्रोटेक्ट्स आई फ्रॉम शॉक, शॉक प्रोटेक्टर। तो मैं फैट की बात कर रहा हूँ, जो आई होता है, आई सपोज दिस इज आई, ये आई बॉल जो होता है इसके ऊपर में फैट लगा रहता है। फैट दो काम करता है, इसको आई को जो मूवमेंट करना होता है फ्रॉम दिस वे टू दिस वे, या दिस साइड एंड दिस साइड, ये जो भी मूवमेंट करता रहता है लाइक बियरिंग, तो ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हमें देता है इससे। एंड सेकेंड इज इट इज़ अ शॉक ऑब्जर्वर, अगर कोई शॉक आ जाता है कहीं से, इट ऑब्जर्व्स दैट
शॉक. सो इट्स अ शॉक ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर इट प्रोटेक्ट्स इट्स शॉक दिस आई बॉल फ्रॉम शॉक. ठीक है, अब हमें अगर हम इस आई बॉल को देखें, जो हमारा आई बॉल होता है इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड हैज़ वेट, इसका जो वजन है दैट इज 7 ग्राम. फाइन, इसका जो आई जो रहता है दैट इज आई बॉल, ये आई बॉल है. ठीक है, दिस इज आई बॉल, दिस वन. ओके, अब हमें यह है कि इसके जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं आई के, फॉर ऑब्जेक्ट को जो हम फोकस करते हैं और या रिफ्लेक्ट करते हैं टू रेटिना, तो इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, सो देयर आर एक्सेसरी पार्ट्स फॉर दिस इज एक्सेसरी पार्ट्स फॉर व्हाट, एक तो ये फोकसिंग एंड रिफ्लेक्टिंग वेव लेंथ ऑफ लाइट टू रेटिना. सो हैविंग टू फंक्शंस लाइक कैमरा, दिस फोकसिंग एंड रिफ्लेक्टिंग दैट लाइट रे with wavelength lambda suppose to retina. ठीक है, तो इनका काम रहता है एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं फोकस करना लाइट को और उसको रेटना पे डालना. दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ऑब्जेक्ट. नाउ इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो आई होता है इसके इस साइड में बहुत सारे मसल्स होते हैं. सो देयर आर मसल्स, सो लेट अस ड्रॉ दिस वन. So it has muscles, strap shaped muscles are there, those are of 6 types. So 6 strap shaped muscles are there, so 6 strap shaped muscle jo eye ko movement de. So those muscles are first, that is external rectus. देखिए, याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है. दिस इज एक्सटर्नल, द विल बी हैविंग अनदर दैट इज इंटरनल इंटरनल. ठीक है, एंड थर्ड सुपीरियर, सो डेफिनेटली विल बी हैविंग इनफीरियर वन ऑल्सो, इनफीरियर रेक्टस. ठीक है, इसके बाद आप क्या याद रखना है, जो दो और रह गए दोज आर इन्फीरियर ओब्लिक एंड सुपीरियर ओब्लिक. दीज आर सिंपली सुपीरियर रेक्टस. नाउ फिफ्थ सिक्स्थ दैट इज इन्फीरियर ओब्लिक ओब्लिक एंड देन सुपीरियर ओब्लिक. सो रेक्टस मसल्स, सो दीज आर सुपीरियर रेक्टस, दीज आर सुपीरियर उपलीक रेक्टस. सो यहाँ और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, उपलीक का डिफरेंस. बाकी ये भी सुपीरियर है और इन्फीरियर है, ये भी है. तो वी हैव 6 टाइप्स ऑफ मसल्स फॉर मेकिंग द मूवमेंट ऑफ आई पॉसिबल. फाइन, दीज आर रेक्टस. इनके बहुत सारे और भी नाम हैं, जैसे एक्सटर्नल हम लेटरल कह सकते हैं, इस तरह के जो है हमें इतना थोड़ा सा याद रखना है बस, दैट्स इट. तो इसके बाद क्या है, कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो मसल्स हो इनमें वीकनेस आ जाती है. सो वी हैव 6 स्ट्रैप शेप्ड मसल्स, हमने ये पता किया है कि 6 टाइप्स हैं, इनमें कभी वीकनेस आ जाती है मसल्स में ड्यू टू ओवर फंक्शनिंग ऑफ आई, या कोई बीमारी लग जाती है, या कोई और कारण होता है जिसके द्वारा इनमें वीकनेस आ जाती है. एंड दैट वीकनेस, उसमें एक टर्म है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जिसको हम स्क्विंट कहते हैं, दैट्स कॉल्ड स्क्विंट, SQUINT, स्क्विंट, और स्ट्रैबिस्मस. तो स्क्विंट और स्ट्रैबिस्मस is weakness in ocular muscles. It's a weakness.
दिस इज वीकनेस इन ऑक्यूलर मसल्स, दीज मसल्स. फाइन. नाउ अगर हम आई को देखें बाहर से तो हम क्या पाते हैं, देर आर आई लिड्स, आई लैश, आईब्रोज, इस तरह के हमें इसमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. सो वी हैव आई इज प्रोटेक्टेड बाई आईब्रोज, आईब्राउज, ठीक है. वी हैव लिड्स, आई लिड्स एंड टीयर ग्लैंड, टीयर ग्लैंड. सो दीज आर थ्री थिंग्स विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट. हाँ, अगर हम आई को यहाँ पे बना देते हैं, जो बाहरी की जो शक्ल है इसका, सपोज लाइक दिस. सो वी हैव आई लिड्स, देर आर टू आई लिड्स विद आई लैश, आई लैशेस. सो वी हैव टू आई लिड्स विद आई लैश. फाइन. तो इसके ऊपर हमारे ब्रोज, सो वी हैव आई ब्रोज, सो दीज आर आई ब्रोज, आईब्रोज, दीज आर आई लिड्स, दीज आर लैशेस, आई लैशेस. अब देखिए, नाउ अब क्या है, ये जो आई है ऑलराइट, तो यहां पे हमें क्या है, ये जो आई लिड्स होते हैं, सो वी हैव आईब्रोज, दीज आर आईब्रोज, ये हमें प्रोटेक्ट कर देते हैं स्वेट से, या अगर कोई रेन आ जाता है यहाँ से, सपोज इट इज अ ड्रॉप ऑफ समथिंग गोइंग टूवर्ड्स आई, दैट विल बी प्रोटेक्टेड, प्रिवेंटेड ब्लॉकर बाई दिस आई ब्रो. इसके वो सारे बोई और भी फंक्शन हैं. तो अब इसके बाद आई लिड्स, आई लिड्स को हम दीज आर एक्चुअली, हम ये कह सकते हैं दीज आर पेयर ऑफ स्किन फोल्ड्स, स्किन आउट ग्रोथ्स. एक्चुअली ये स्किन आ जाता है फ्राम फेस, तो दीज आर एक्चुअली स्किन फोल्ड्स इंटरनली, दे आर सपोर्टेड बाई फाइबरस कनेक्टेड पैलेटाइन टिश्यूज which is called palpebral conjunctiva. So we have eyelid. Now this, what this eyelid is actually, this eyelid is a, it is a fold of skin. ये fold of skin है जो इनके, so this is a fold of skin, इसकी inner side में, it is internally lined by stiff fibrous, fibrous connective tissue plates. So fibrous connective tissue plates अंदर से इसमें आ जाते हैं, जो उनको हम conjunctiva कहते हैं, that is called conjunctiva. Now there are two types of conjunctiva, one is main corneal conjunctiva, second is this palpebral. Eyelids को हम palpebra भी कहते हैं, palpebra, the second name for eyelids. So definitely this is called palpebral conjunctiva. Fine. Now this palpebral conjunctiva is very important. It supports these folds of eyelid so that they can move from here to there. Okay. So now, अब ये जो eyelids होते हैं, they are very important. ये हमें protect कर देते हैं इस eye को. अगर कुछ external कोई object आ जाता है, कोई infection आ जाता है, ये dust particle, और इसका important ये कि
इट विद दिस मोमेंट ये मॉइस्टन करता है कॉर्निया को, आई को, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस पल्पेब्रल कंजक्टिवा, इसको आप याद रखें क्योंकि यहाँ पे एक और कंजक्टिवा है कॉर्निया में, दैट्स कॉल्ड कॉर्नियल कंजक्टिवा, सो दिस इज पल्पेब्रल कंजक्टिवा। यहाँ पे मैंने इसमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दूँ, वो ये है कि जो पल्पेब्रल कंजक्टिवा होता है ये इट इज़ म्यूकस वेस्कुलर पैपलेट, इट इज़ वेस्क्यूलर एंड इट इज पैपलेट। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया पैपलेट एंड वेस्कुलर, इसको मैंने याद रखने के लिए क्यों बोला, क्योंकि जो कॉर्नियल कंजक्टिवा होता है वो बाद में हम देखेंगे, और कॉर्नियल जो कंजक्टिवा होता है दैट इज़ नॉन पैपलेट, दैट इज़ नॉन पैपलेट। ये तो पैपलेट है, दैट इज़ नॉन पैपलेट दिस वन, और दिस इज़ वेस्कुलर, दिस इज़ लेस वेस्कुलर, लेस वेस्क्यूलर। इसका फंक्शन एक टाइप का है, इसका दूसरा टाइप का है, ये प्रोटेक्ट करता है कॉर्निया को और वो फिक्स रहता है, एंड दिस इज़ मूविंग अलॉन्ग विद लिड, तो ये आई को मॉइस्टन करता है, दैट्स व्हाई इट्स म्यूकस। इट वेस्कुलर भी है, और क्यों वेस्कुलर, इसलिए इसमें मोशन हो जाता है, उस मोशन के लिए इसको ब्लड चाहिए, एनर्जी चाहिए, दैट्स व्हाई इट्स वेस्कुलर एंड पैपलेट भी है ये, बट दिस इज नॉन पैपलेट दिस वन। तो दिस इज हाउ, जिसको हम आई लिड कहते हैं, पल्पेब्रा। नाउ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक और, दैट इज आई लैशेस, दिस इज एक्चुअली स्टिफ हियर, दिस इज स्टिफ हियर। इसमें ये मैक्सिमम जो है इसमें ब्लैक कलर के होते हैं, एक्सेप्ट कुछ पर्सन अगर किसी में एल्बिनिज्म हो जाता है, इट गेट्स लाइट और स्लाइटली लाइट कलर, बट इट्स ब्लैक इन कलर मोस्टली। स्टिफ या जो डिपेंडिंग ऑन रेसेस इट कैन हैव डिफरेंट वेरिएशन इन कलर, सो दीज आर स्टिफ हेयर्स। तो ये सारी इसमें आई के बाहरी इलाके में ये पाए जाते हैं। नाउ आई को ल्यूब्रिकेट करने के लिए कुछ चाहिए, आई को जो ल्यूब्रिकेट करें, मॉइस्टन करें ताकि आई ड्राई ना हो जाए, के लिए इसमें देर आर थ्री इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स। सो देर आर थ्री इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स टू ल्यूब्रिकेट द आई, एंड दोज आर ग्लैंड ऑफ मोल, ग्लैंड ऑफ चीज एंड मिबोमियन ग्लैंड्स। सो देर आर three glands in fact for lubricating eye, one is, so yahi hum likh sakte hain ki lubrication ke liye, lubrication, so for lubrication we have three glands, that's gland of mall, now we have second one that is gland of this, and we have one more, that's meibomian glands। ठीक है, ये तीन gland आप याद रखिए, बहुत important तीनों। और important जो question यहाँ से आ सकता है, that's modification, इनका जो modification है वो क्या है होता है, यानी ये sweat gland है, sebaceous gland modified है, क्या है ये, तो मैं बता दूँ, ये केवल ये जो मोल होता है, ग्लैंड ऑफ मोल, इट इज़ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, और बाकी जो दो है जीस एंड दिस म्यूबियन ग्लैंड, दिस आर सेबेशियस ग्लैंड्स, सो दिस इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड एंड दीज टू आर मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड, और ऑयल ग्लैंड जो होते हैं वो ये मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड होते हैं दोनों, जीस और मीबियोमियन। ये जो मोल होता है, मोल का ग्लैंड, दिस इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। तो ये सारे लुब्रिकेट करते हैं आई को, सो फर्स्ट वी हैव मोल ग्लैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑन द बेसिस ऑफ जो आई लैशेस होते हैं उनके बेसिस पे ये ओपन हो जाता है, मोल ग्लैंड बिटवीन बेस ऑफ आई लैशेस, यानी जो मोल का ग्लैंड है, जो आई लैशेस हमने बताया यहाँ पे, इसका जो बेस है, सपोज मैं यहाँ पे बता दूँ,
ये टू आई लैशेज है, दीज आर आई लैशेज। अब इनका जो बेस होता है आई लैशेज का, इन बेस के बिटवीन में ये मोल ग्लैंड अपन हो जाता है, इसका सिक्रेशन यहीं पे डाल देते हैं। दिस लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट, पूछा जाता है कभी, तो यहाँ पे अपन हो जाता है। नाउ वी हैव जीस ग्लैंड, सेकंड जो हमने बताया जीस ग्लैंड, ये फोलिकल्स ऑफ आई लैशेज पे ये अपन हो जाता है। सो जो आई लैशेज के जो फोलिकल मैंने दिखाए, दीज आर फोलिकल्स ऑफ आई लैशेज, फोलिकल्स ऑफ आई लैशेज दीज। यहाँ पे हमारा जीस का ग्लैंड ओपन हो जाता है। सो जीस ओपन हो जाता है ऑन फोलिकल, बट द स्मॉल बिटवीन बेसिस ऑफ आई लैशेज। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट वन। इसके बाद बिफोर गोइंग टू दिस ग्लैंड, यहाँ पे एक और मैं बात बता दूँ, ये जो ग्लैंड्स होते हैं तीनों, इसमें अगर एक इन्फेक्शन हो जाता है तो दैट टर्म इज कॉल्ड स्टाई। स्टाई इज, इट इज एक्चुअली इन्फेक्शन ऑफ वन ऑफ सच ग्लैंड्स, इज इन्फेक्शन ऑफ वन ऑफ सच ग्लैंड्स। सो स्टाई इज अ इन्फेक्शन ऑफ वन ऑफ सच ग्लैंड्स। इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, दैट कंडीशन, दैट पर्टिकुलर फिनोमिनन और कंडीशन और डिसीज इज कॉल्ड स्टाई। नाउ वी हैव थर्ड वन, मेबोमियन ग्लैंड। मेबोमियन ग्लैंड जो है इनको, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टार्सल ग्लैंड्स। सो दीज आर मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड्स, टार्सल ग्लैंड्स। फाइन, दीज मेबोमियन ग्लैंड्स आर कॉल्ड टार्सल ग्लैंड्स। दे आर मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड्स एज लाइक जीस, बट अन लाइक मॉल। तो इनको हमने, ये क्या करते हैं, ये फ्री मार्जिन जो आई लिड्स होते हैं, इनके जो फ्री मार्जिन होते हैं, दीज फ्री मार्जिन, क्योंकि आई लिड का एक एक पार्ट इसमें बंद रहता है, देन वी हैव फ्री पार्ट। जो फ्री मार्जिन होते हैं यहाँ पे ओपन हो जाते हैं बहुत सारे जगहों पे, जो ओपन इन मार्जिन ऑफ आई लिड्स, ठीक है, ताकि ये जो लिड होते हैं इनको, ये दीज ल्यूब्रिकेट दीज आई लिड्स फॉर ब्लिंकिंग, जैसे ब्लिंक होता है, और ये कॉर्निया को भी। सो अगर हम इसकी बात करें तो दीज ल्यूब्रिकेट ल्यूब्रिकेट आई लिड, ल्यूब्रिकेट कॉर्निया, होल्ड टीयर्स, ये इसमें फंक्शन होते हैं इस ग्लैंड के, दे आर होल्डिंग टीयर्स, डस्ट रेन, डस्ट रेन एक्स्ट्रा, ताकि वो आई में ना चला जाए, ये सब इसका काम होता है, ठीक है। अब आपने ये भी नोटिस किया होगा, जो आई होता है, आई के एंगल पे देर इज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस सेमीलूनर स्ट्रक्चर, एनी बॉडी कैन फाइंड इट ऑन आई, द कॉर्नर ऑफ आई, जो आई का कॉर्नर होता है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एंड दैट सेमी ल्यूनर स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट, एवोल्यूशनरी इम्पॉर्टेंस है इसका, ये कहाँ से आया। तो बेसिकली दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लाइका सेमिल्यूनरिस, दिस कॉल्ड, मैं यहाँ पे लिखूँ, प्लाइका सेमिल्यूनर, सेमिल्यूनरिस दिस स्ट्रक्चर। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक स्मॉल कह सकते हैं रेडिश पैच ऑन इनर कॉर्नर ऑफ आई, तो ये एक रेडिश पैच है, इसका कलर जो है दैट इज रेड, सो इट इज रेडिश पैच, ठीक है, ऑन इनर साइड ऑफ आई, ये कॉर्नर पे होता है आई के, एंड ये दिस इम्पॉर्टेंट, ये बताया जाता है कि इट इज वेस्टिजियल थर्ड आई लिड और निकेटिंग मेम्ब्रेन, सो इट इज कंसिडर्ड वेस्टिजियल
थर्ड आईलिड और निक्रेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको माना जाता है इट इज वेस्टिजल थर्ड आईलिड और निक्रेटिंग मेम्ब्रेन। वेस्टिजल ऑर्गन आर दोज ऑर्गन जो किसी एंसेस्टर्स में, हमारे एंसेस्टर्स में काम करते थे, लेकिन वो अब जाके नॉन फंक्शनल बन गए। लेकिन नॉन फंक्शनल तो बन गए, लेकिन दे आर कमिंग आउट, दे आर दियर। वो ऑर्गन, ये ऐसे ऑर्गन डिजनरेट नहीं होते हैं, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस में विद फाइलोजेनी ये चले जाते हैं। बट और जिसको हम कहते हैं कि एक तरह का ये एक इम्पॉर्टेंस, एवोल्यूशनरी इम्पॉर्टेंस कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है। सो वेस्टिजल ऑर्गन्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस और पैरामीटर्स, और हम कह सकते हैं एक क्ल्यू है कि वाकई तौर कि जो एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है किस तरह हुआ है और कैसे हुआ है। तो इट्स लाइक ओंटोजेनी जब आ जाता है तो ये हमारा पूरा देता है कि पुराने जो ऑर्गेनिजम्स थे जहाँ से प्राइमेट्स आए या बाकी बाद में जो आए एडवांस्ड एनिमल्स, ये निक्रेटिंग मेम्ब्रेन क्योंकि बर्ड्स में काम करता है, बहुत जगहों पे इसका यूज़ है बट नॉट हियर, तो दीज आर कॉल्ड वेस्टिजल ऑर्गन्स। सो देर आर नंबर ऑफ सच वेस्टिजल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग। नाउ अब क्या है, अब इसके बाद फाइनली वी हैव व्हाट आर कॉल्ड टीयर ग्लैंड्स। सो वी हैव टीयर ग्लैंड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे इनको देर आर ऑल्सो कॉल्ड लैक्रिमल, लैक्रिमल ग्लैंड्स। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं लाइक लैक्रिमल और लैक्रिमल ग्लैंड, ये दूसरा नाम है। नाउ दीज आर एक्चुअली, हम इनको अगर इस को मिला देते हैं, सो दीज आर एक्चुअली आलमंड शेप्ड, हम यहाँ लिख सकते हैं दीज आर आलमंड शेप्ड रेसिमोस ग्लैंड्स, almond shaped racemose glands in the upper part of orbit. तो यहाँ आई ऑर्बिट जिसमें आई बॉल रहता है, दैट इज कॉल्ड सॉकेट और आई ऑर्बिट, उसके अपर पार्ट में यहाँ पे पाए जाते हैं। सो दीज आर लोकेटेड लाइक हियर। तो अगर ये आई है, सपोज दिस आई, बिकॉज दीज आर लोकेटेड हियर लाइक हियर इन दिस ऑर्बिट, these tear glands basically ये secrete करते हैं watery fluid जिसको हम tear कहते हैं। so they secrete tear which is watery fluid having lysozyme in them, तो these are watery fluid or tear having lysozyme enzyme to kill bacteria or other infection related organisms. तो ये टीयर क्या है बेसिकली, वॉट इज दिस टीयर, दिस एक्चुअली वाटर प्लस शुगर प्लस इम्यूनो एसिड प्लस प्रोटीन, ठीक है, एंड प्लस मिनरल भी इसमें आ जाता है, साल्ट मिनरल प्लस salt and urea, okay, so this is composition of tear, water, sugar, amino acid, protein, mineral, salt, urea. कैसे याद रहे ये? Water तो है ही, अगर sugar का opposite क्या है? Salt. ये दो याद आ गए. Amino acid they form प्रोटीन, सो प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, नो लिपिड, नो कार्बोहाइड्रेट तो है इसमें, प्रोटीन भी है बट फैट नहीं है, बट देर आर मिनरल्स एंड देर इज यूरिया, दिस इज टीयर।
नाउ अगर टीयर ग्लैंड की बात करें कितने हैं टोटल? देर आर 6 to 10 टीयर ग्लैंड, 6 to 10 टीयर ग्लैंड ऑन अपर आई बाल, आई बाल का जो अपर पोर्शन है, दीज आर 6 to 10, सपोज दीज आर 6 नंबर लाइक दिस, तो दीज आर 7, सो 6 to 10 आर देयर। हाँ दे क्या कर, ये क्या काम करता है टीयर? इट मॉइस्टन्स, इसका इम्पॉर्टेंट क्या है? मॉइस्टन, क्लीन्स आई, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट आई एंड नरिशेस आल्सो, क्योंकि इसमें जो हमने बताया कि शुगर होता है, अमीनो एसिड, प्रोटीन और मिनरल, वाटर, और दैट दोज आर वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे एक्ट एज न्यूट्रिशन टू आई, इसमें जो भी लगता है हमें वो काम करता है। तो दीज आर एक्चुअली, ये कह सकते हैं कि लैक्रिमल एक जो कैनाल होता है उसके थ्रू ये पंक्टम में आ जाते हैं, सो दे हैव लैक्रिमल कैनाल, ठीक है, उसके थ्रू ये इसमें आ जाता है, सो देयर इज ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड पंक्टम, दिस इज पंक्चर, दैट इज पंक्टम, थ्रू दैट पंक्टम इट ड्रॉप्स टीयर, एंड नाउ इसमें ब्लैंकिंग के द्वारा ये थ्रू ब्लैंकिंग ये डाल देता है इसमें। नाउ वी हैव टू ऑफ देम ज्वाइन, जो ये ग्लैंड होते हैं, ये जो एक्चुअली होते हैं, देज आर एक्चुअली दैट इज दे टू ज्वाइन टू फॉर्म लैक्रिमल सैक। हम इसको ऐसे बना देते हैं कि एक्चुअली दो ग्लैंड से, सपोज दीज आर लैक्रिमल ग्लैंड, द टू कैनाल्स ज्वाइन एंड फॉर्म सैक विच इज कॉल्ड लैक्रिमल सैक, दिस आर लैक्रिमल सैक। और ये लैक्रिमल सैक है, ये क्या करता है? ये अपना सिक्रीशन डाल देता है आई में ड्यूरिंग ब्लिंकिंग, तो जैसे हम ब्लिंक करते हैं उस दौरान ये यहाँ से ये बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स ये बाहर निकल जाता है, इसका जो टीयर होता है, ठीक है। तो दिस इज कनालिक्यूली एक्चुअली, सो दिस कनालिक्यूली दिस वन, तो दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। एक डॉक्टर होता है जो इसको जो इसका नेजो लैक्रिमल डक्ट फ्रॉम सैक टू नोज, सो सपोज दिस इज नोज, अगर ये नोज है, फ्रॉम दिस सैक टू नोज दिस डक्ट दैट इज कॉल्ड नेजो लैक्रिमल डक्ट, दिस इज नेजो लैक्रिमल डक्ट, जिसके थ्रू ये पूरा टीयर नोज में आ जाता है और फिर बाहर चला जाता है। सो वी हैव अ डक्ट फ्रॉम द सैक टू नोज, नेजो लैक्रिमल डक्ट, इससे क्या होता है टीयर जो एक्स्ट्रा टीयर जो निकल जाता है दैट कम्स इनसाइड नोज, समटाइम्स ये ब्लॉक हो जाता है और इसको फिर थ्रू माइनर ऑपरेशन हम ठीक कर देते हैं। तो दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। तो ये जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें एडेप्टेशन ह्यूमन बीइंग में कि कैसे ये सब इस अडाप्ट कर लेता है अपने आइज को ड्यूरिंग डिफरेंट कंडीशंस। और ये जो लैक्रिमल नेजो लैक्रिमल जब हम इसको ब्लिंकिंग करते हैं तो ड्यूरिंग ब्लिंकिंग दिस सैक गेट्स ये कम हो जाता है नैरोड, इसका जो टीयर वो बाहर निकल जाता है। सो दिस इज एक्सटर्नल आई। नाउ हमारा जो दूसरा वीडियो है दैट विल गो इनसाइड आई, जो आईबॉल है इसके जो स्ट्रक्चर्स उस पर हम जाएंगे। तो इसमें हम फिर बाद में जो आई की, आई हमने फ्रंट साइड देखा, इसका
पिछला साइड जो है आई का जो बाल है, आई बाल, उसमें जो कोट लेयर होते हैं आउटर वन फाइब्रस, देन वी हैव अनदर दैट इज पिगमेंटेड टाइप, एंड थर्ड वी हैव नर्वस कोट, और दिस इज दिस सेकेंड वन इज वेस्कुलर, सो वी हैव फाइब्रस, वेस्कुलर एंड नर्वस, एफ वी एंड कोट्स हियर इन आई, लेकिन वो दूसरे वीडियो में। तो विद दिस आई कंक्लूड हियर, यहाँ पे मैं ये आप आई पढ़ा है। तो थैंक यू ऑल एंड होप वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड दिस ह्यूमन आई, टिल देन गुड बाय।